दोस्तों नमस्कार, मैं पीके प्रभाकर, प्रभाकर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं क्वांटम मैकेनिक्स का आज सेकंड क्लास लेने जा रहा हूं और क्वांटम मैकेनिक्स मेरा लक्ष्य है कि सरलतम बना देना आपके लिए, दुनिया का सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट बनाऊंगा। आप इसे ध्यान से देखो भाई। लेक्चर नंबर टू है, लीनियर वेक्टर स्पेस वेक्टर स्पेस यूनिट्री स्पेस हिल्बर्ट स्पेस। देखो बंधु, मैं बताया था यूनिटरी स्पेस के बारे में, मैं थोड़ा रिकैप पुट करा देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। एनी एलिमेंट्स ऑफ स्पेस, एनी एलिमेंट्स ऑफ स्पेस कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of normalized vectors of that space of that space that H U1 हो गया बंधु I plus J by U2 हो जाएगा आपका I minus J बाई रूट टू। देखो बंधु, अगर मॉड यू वन निकालोगे तो मॉड यू वन जो हो जाएगा ये हो जाएगा रूट अंडर वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, वन प्लस वन टू हो जाएगा तो ये हो जाएगा रूट टू बाई टू, कैंसिल हो जाएंगे ये वन हो जाएंगे। इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो जैसा कि आप जानते हो ये भी हो जाएगा वन प्लस वन टू, ये हो गया कैंसिल होके हो गया वन, दस बी ऑब्जर्व दैट मोड यू वन इक्वल टू वन एंड मोड यू टू इक्वल टू वन, बी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट बी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट यू वन डॉट यू टू इक्वल टू हो जाएगा बंधु ये हो जाएगा आपको टू वन माइनस वन इक्वल टू जीरो। इट इज ऑर्थो नॉर्मल।
ऑर्थो नॉर्मल का बंधु मीनिंग है कि यह नॉर्मलाइज भी है, इसका मैग्नीट्यूड U1 U2 का 1 है, साथ ही साथ इसका डॉट प्रोडक्ट 0 है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। 10 वी कैन एक्सप्रेस्ड any elements elements in terms of vectors in terms of U1 and U. In fact, thus U1 and U2 are another basis in S space like basis I and J, unit vector I and J in that space, in that two-dimensional space। तो बंधु इस प्रकार हम देख सकते हैं कि आपका जो है ये U1 U2 एक बेसिस है, IJ बेसिस है। तो हमने आपको देयर आर मेनी मेनी बेसिस होगा इन टर्म्स ऑफ विच वी कैन एक्सप्रेस द एलिमेंट्स ऑफ ए वेक्टर स्पेस। तो ऐसा लकीर के फकीर नहीं बन जाना है, आई जे का लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो हमको U1 और U2 भी एक बेसिस वेक्टर मिलेगा जो कि मैग्नीट्यूड में 1 है और जो कि ऑर्थोगोनल है। तो बंधु मैं समझता हूँ आप ये समझे होंगे, मैं इसे आपको और क्लियर कट करके बताता हूं। जैसे बंधु R2 है, ये टू डायमेंशनल को है, तो मैं जैसे आपको कहूं कि किसी भी वेक्टर को टू डायमेंशनल में हम लोग लिखते हैं AI+B, किसी भी वेक्टर को थ्री डायमेंशनल में वेक्टर को लिखते हैं AI+BJ+CK। तो एनी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, मान लो इसे वेक्टर डी कह रहा हूँ, इसे वेक्टर D1 कह रहा हूँ। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग टू डायमेंशनल में, थ्री डायमेंशनल में, एन डायमेंशनल स्पेस में व्यक्त कर सकते हैं। तो दिस वेक्टर AI+BJ द वेक्टर्स AI+BJ कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली लाइक दिस। देखो बंधु ये वेक्टर जो है मैथमेटिकली टू डायमेंशनल में व्यक्त करते हैं, तो इसे हम R^2 करके लिखते हैं। ये टू डायमेंशनल वेक्टर हुआ, इसी को मैथमेटिकल रूप में
हम लोग ए बी के रूप में मैट्रिसेस के फॉर्म में इस ए आई प्लस बी जी को इट कैन बी कास्ट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए बी। ये टू डाइमेंशनल वेक्टर है। तो बंधु अगर थ्री डाइमेंशनल हो तो इट कैन बी कास्ट इन मैथमेटिकल फॉर्म ए बी सी। अगर एन डाइमेंशनल वेक्टर हो बंधु तो इट कैन बी कास्ट इन फॉर्म ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन। तो ये बंधु एन डाइमेंशनल वेक्टर हो गया। एन डाइमेंशनल स्पेस में वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। अब देखो बंधु, इसे मैं आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना। द बेसिस वेक्टर, द बेसिस वेक्टर्स, द बेसिस वेक्टर्स फॉर एन डाइमेंशनल स्पेस, एन डाइमेंशनल स्पेस कैन बी कास्ट इन द फॉर्म। ये है बंधु आपको वेक्टर ए वन, इसका बेसिस वेक्टर होगा। इसे आप देख लें, ई वन होगा, इसे मैं लिखता हूं वन जीरो 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 डॉट डॉट। ठीक उसी प्रकार बेसिस वेक्टर ई टू को लिखूंगा जीरो वन जीरो 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 डॉट डॉट। उसी प्रकार बेसिस वेक्टर ई थ्री को लिखूंगा जीरो 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 वन जीरो 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 डॉट। सिमिलरली डॉट 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 ई एन को लिखूंगा जीरो 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 डॉट 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 जीरो अंत में। तो बंधु यह बेसिस वेक्टर हुआ फॉर एन डाइमेंशनल स्पेस। तो मैंने आपको बेसिस वेक्टर बतलाया है एन डाइमेंशनल स्पेस में। अब ये जो है, मैं आपको एक बात कहूंगा कि जैसे कि टू डाइमेंशनल है, तो टू डाइमेंशनल वेक्टर को अगर मैं लिख रहा हूँ, ये सैंपल दे रहा हूँ, तो इस सैंपल का आप मीनिंग समझिए। ये टू डाइमेंशनल में इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर है, जिसे हम लोग क्रक लिख सकते हैं ए बी, जहाँ कि ए और बी एक रियल नंबर सिस्टम है, इसी का सब स्पेस हम लिख सकते हैं, सब स्पेस, सब स्पेस ऑफ टू डाइमेंशनल, और टू डाइमेंशनल, टू डाइमेंशनल जो होगा बंधु, इसका जो सब स्पेस होगा, आप इसे ऐसे लिख सकते हो। कोई भी वेक्टर हम ले सकते हैं, रियल नंबर सिस्टम में थ्री फोर सिक्स नाइन। तो ये जो हो गया बंधु, सब स्पेस हो गया आपको टू डाइमेंशनल वेक्टर का। ठीक उसी प्रकार थ्री डाइमेंशनल वेक्टर का सब स्पेस होगा बंधु। इसे भी देख लो, इसे मैं लिखूंगा वन टू थ्री, थ्री फोर फाइव
सेवन एट नाइन, तो ये आपका सब स्पेस हुआ। तो स्पेस जो है ये जो सिंबल है करली में दिखलाया हूं, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर को बतलाता है। अब मैं आपको कुछ बेसिक बात बताने जा रहा हूं, इसे जरा आप गौर से समझने का प्रयास करेंगे। पॉइंट नंबर वन दे रहा हूं, लीनियरली डिपेंडेंट, एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। अब देखो बंधु, किसी भी वेक्टर को हम लोग कास्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए, कोई मेरा वेक्टर है, एक्स वन है, एक्स टू है, एक्स थ्री है, ये सब वेक्टर एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब इनका जो है, अगर हम लोग इसे लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखें, के वन एक्स वन प्लस के टू एक्स टू प्लस के थ्री एक्स थ्री प्लस डॉट 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 के एन एक्स एन इक्वल टू जीरो, दिस हेयर के वन के टू डॉट 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 के एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन दीज वेक्टर्स आर नोन एज लीनियरली डिपेंडेंट, देन दीज आर नोन एज, लीनियरली डिपेंडेंट, नोन एज लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। देखो बंधु, एक बात मैं एक सिंपल भाषा में इसी को समझा रहा हूं। अब यहाँ पर हमने आपको जो हम क्वांटम मैकेनिक्स में लेंगे, तो वहां पर हम लोग ले सकते हैं के वन फाइ वन प्लस के टू फाइ टू प्लस के थ्री फाइ थ्री डॉट 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 के एन फाइ एन इक्वल टू जीरो, वेयर के वन के टू के थ्री के एन आर नॉट जीरो, वेयर के वन के टू के थ्री डॉट 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 के एन आर नॉट। दूसरी बात बंधु देखो, ये है लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लिया जाए सी वन फाइ वन प्लस सी टू फाइ टू इक्वल टू जीरो है, वेयर सी वन एंड सी टू आर नॉट जीरो, वेयर सी वन एंड सी टू आर नॉट जीरो। तो बंधु इन दिस केस हो जाएगा सी वन फाइ वन इक्वल टू माइनस सी टू फाइ टू, तो यहाँ फाइ वन जो हो जाएगा माइनस सी टू बाई सी वन फाइ।
अब बंधु यहाँ C1 C2 जीरो नहीं है, तो यहाँ पर 5 2 का वैल्यू जो कुछ भी रखिएगा 1 2 3 4 5, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 5 1 का वैल्यू मिलेगा, यानी 5 1 जो है डिपेंड्स अपॉन 5 2, यानी 5 1 डिपेंड्स अपॉन 5 2. दिस इज नोन एज लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर. ऑन द अदर हैंड, जरा इसे ध्यान से देखना समझना, काफी इंपॉर्टेंट है. देखो बंधु, ऑन द अदर हैंड, इफ ऑल द वैल्यूज ऑफ के वन इक्वल टू के टू इक्वल टू के थ्री डॉट 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 इक्वल टू के एन इक्वल टू जीरो, तो बंधु अगर सारा का सारा के वन फाइव वन प्लस के टू फाइव टू प्लस के थ्री फाइव थ्री प्लस डॉट 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 के एन फाइव एन इक्वल टू जीरो हो, जबकि सारे के सारे के वन के टू के थ्री के एन जीरो हो, तो यह एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेगा. सब एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेगा. जैसे के टू जीरो के वन जीरो, तो फाइव वन का वैल्यू कुछ भी लीजिए, 10 20 25 30, फाइव टू का फाइव वन का वैल्यू कुछ भी लीजिए, -2 -4 -5, फाइव थ्री का वैल्यू कुछ भी लीजिए, 1000 2000 3000, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेगा. दिस इज नोन एज लीनियरली इंडिपेंडेंट. दिस इज नोन एज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर. लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. बंधु मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट का एक और एग्जांपल देता हूं, लिखेंगे ऑन द अदर हैंड इफ नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिकल इक्वेशन non-identical equations equal to number of variables, then it is also known as linearly independent, आप जरा linearly independent का मीनिंग समझने का पूरा प्रयास करें. जैसे बंधु 2x है, सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ, इक्वल टू 4 है, और 4x माइनस 7y इक्वल टू 2 है,
तो देखो बंधु, दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है एक्स वाई, तो हमको एक्स और वाई का जो मान निकलेगा वह एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेगा, तो इसका नाम है, ये भी होगा लीनियरली इंडिपेंडेंट। ध्यान रहे, मैंने एक इंपॉर्टेंट बात कहा है, नॉन आइडेंटिकल इक्वेशन होना चाहिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन आइडेंटिकल इक्वेशन? तो जरा नॉन आइडेंटिकल इक्वेशन के बारे में मैं समझा रहा हूँ। जैसे अगर कोई कह देता है 2x + 3y = 4, और इसे कह देता हूँ 4x + 6y = 8, तो देखो बंधु कुछ नहीं है, इक्वेशन वन में 2 से गुना करेंगे तो इक्वेशन टू आ जाएगा, इक्वेशन वन में 2 से गुना करने पर इक्वेशन टू आ जाएगा। तो ये हो गया आइडेंटिकल इक्वेशन। दीज आर नोन एज, दीज आर नोन एज, नोन एज आइडेंटिकल इक्वेशन, आइडेंटिकल इक्वेशन। मैंने आपको कहा कि ये जो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, जबकि नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिकल इक्वेशन इक्वल टू होगा नंबर ऑफ वेरिएबल, तो इस तरह का इक्वेशन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 4x - 2y = 7 है, और इसी को मैं लिख सकता हूँ 8x - 4y = 14। तो ये दोनों इक्वेशन हो गया आइडेंटिकल इक्वेशन, आइडेंटिकल इक्वेशन। तो मैंने आपको कहा है नॉन आइडेंटिकल इक्वेशन हो और नंबर ऑफ वेरिएबल एक्स वाई अगर एक समान हो, तब जो वेक्टर होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। अब कोई कह दे x - y = 9 हो, और -x + y = -9 हो, तो कुछ नहीं किए हैं, समीकरण एक में माइनस से गुना किए हैं, समीकरण दो आया है, तो ये इक्वेशन भी हो गए हैं आइडेंटिकल इक्वेशन, आइडेंटिकल इक्वेशन। तो बंधु मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो कोई भी लीनियरली डिपेंडेंट इक्वेशन के बारे में मैं बोल रहा हूं, इसे फिर से देख लें, समझें, लीनियरली डिपेंडेंट। अब देखो बंधु, a1 y1 + a2 y2 + a3 y3 · an i n = 0। क्वांटम मैकेनिक्स में जो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है a1 a2 a3, इन क्वांटम मैकेनिक्स, इन जनरल इन क्वांटम मैकेनिक्स a1 a2 a3 · an r, इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर, बंधु क्वांटम मैकेनिक्स में इन जनरल ये जो कांस्टेंट है a1 a2 a3, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है इस वेव के साथ क्वांटम मैकेनिक्स में, वह इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं भी हो सकते हैं। तो ये जो है लीनियरली डिपेंडेंट है, ये सब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ
लीनियरली डिपेंडेंट, ये सब है लीनियरली डिपेंडेंट का। तो एनी वेक्टर्स कैन बी कास्ट इन टर्म्स ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर, लीनियर कॉम्बिनेशन इनका होगा। तो ये होगा बंधु ए वन फाइव वन, इसे मैं लिख सकता हूं माइनस ए टू फाइव टू, माइनस ए थ्री फाइव थ्री, माइनस ए फोर फाइव फोर डॉट डॉट डॉट, माइनस ए एन फाइव एन। यहां से मैं लिख सकता हूँ फाइव वन को लिख सकता हूँ माइनस ए टू बाई ए वन फाइव टू, माइनस ए थ्री बाई ए वन फाइव थ्री, माइनस ए फोर बाई ए वन फाइव फोर डॉट 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 डॉट, माइनस ए वन बाई ए एन फाइव एन। दिस इज ऑल्सो कास्ट इन द फॉर्म सी टू फाइव टू, माइनस ए टू बाई ए वन को मैंने सी टू कहा है, ठीक इसी प्रकार सी थ्री फाइव थ्री, सी फोर फाइव फोर डॉट डॉट डॉट, सी एन आई एन। तो एनी वेक्टर कैन बी कास्ट एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है ये, लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो बंधु लीनियरली डिपेंडेंट में सब वेक्टर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे आपका संयुक्त परिवार है, तो संयुक्त परिवार में हर सदस्य एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अगर कोई संयुक्त परिवार में बीमार है तो पूरा परिवार चिंतित हो जाता है उसके दवा दारू के फिक्र में। तो ठीक उसी प्रकार आप लीनियरली समझिए डिपेंडेंट, और वही परिवार अगर टूट जाता है बांट लेता है तब एक दूसरे से लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं रहता है। तो बंधु क्वांटम मैकेनिक्स का ये मैं पहाड़ा बता रहा हूँ, ए बी सी डी बता रहा हूँ। अब मैं कुछ और बेसिक बात आपको बताने जा रहा हूँ, इसे ध्यान से देखें। लेट phi, psi and xi, ये एलिमेंट्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। phi, psi, xi एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस का है। तो मैं इसका कुछ प्रॉपर्टी बता दे रहा हूँ, इसे मैं कह रहा हूँ लीनियर वेक्टर स्पेस का यह एलिमेंट है। तो देखो बंधु, इफ फाई बिलोंग टू भी, अगर फाई भी के बिलोंग करता है बंधु, तो ए फाई ऑल्सो बिलोंग टू भी। तो बंधु यह जो ए फाई है यह इन जनरल एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका यह एक प्रॉपर्टी है। अब देखो कि इफ पॉइंट नंबर टू बता रहा हूं, ये पॉइंट नंबर वन था कि इफ फाई साई बिलोंग टू वेक्टर स्पेस भी, देन फाई प्लस साई इक्वल टू साई प्लस फाई also belong to, also belong to vector space V। तो यहाँ है, इसे हम कहते हैं operation addition, this is known as ऑपरेशन
दिस इज नोन एज ऑपरेशन एडिशन। तो बंधु अगर कोई फाई साई एक जाई किसी वेक्टर एलिमेंट हैं, बिलोंग करते हैं वेक्टर स्पेस के एलिमेंट हैं, तो फाई प्लस साई इक्वल टू होगा साई प्लस फाई। ऑल्सो जरा इसे ध्यान से देखेंगे, ऑल्सो फाई प्लस साई प्लस एक जाई इक्वल टू फाई प्लस साई प्लस एक जाई, दैट इज द ऑपरेशन एडिशन इज द कॉमुटेटिव एंड एसोसिएटिव, दैट इज द ऑपरेशन एडिशन इज कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। अब बंधु मैं आपसे कह रहा हूं, ये सब चीज जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं कह दूं कि ये सब क्वांटम मैकेनिक्स का पहाड़ा है, ए बी सी डी है, अवा ए आई है, इसके बगैर आप, इस पहाड़ा के बगैर क्वांटम मैकेनिक्स समझना बहुत ही कठिन है। तो यही पहाड़ा पर आप ध्यान देंगे, मैं आपको 5-7 क्लास पहाड़ा ही पढ़ाऊंगा ताकि आपको यह क्लियर कट कंसेप्ट हो जाए। लिखेंगे, देयर इज ए नल वेक्टर 0 फॉर एडिशन, दैट इज फाइव प्लस 0 इक्वल टू फाइव। चौथा लिखेंगे, देयर इज इनवर्स इनवर्स एडिशन ऑफ फाई, दैट इज फाई डैश व्हिच इंप्लाई दैट फाई प्लस फाई डैश इक्वल टू 0 हेयर फाई डैश इक्वल टू माइनस फाई। इफ ए बी सी आर इन जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर देन इफ फाई बिलोंग टू द वेक्टर स्पेस भी, देन ए फाई ऑल्सो बिलोंग्स टू। देखो बंधु, छठा प्रॉपर्टी देखो, ए प्लस बी इंटू फाई इक्वल टू ए फाई प्लस बी फाई। सातवां प्रॉपर्टी देखो, ए इंटू फाई प्लस साई इक्वल टू ए फाई प्लस ए साई।
आठवां प्रॉपर्टी देखो बंधु, द यूनिट वन सच दैट फाइव इंटू वन इक्वल टू फाइव, ये यूनिट है बंधु। नौवा देखो, आइडेंटिटी जीरो, आइडेंटिटी जीरो सच दैट जीरो इंटू फाइव इक्वल टू जीरो। अब देखो, फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ पाई साई एंड एक्साई, ये जो है एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर स्पेस भी है बंधु, फाई साई और एक्साई। द इनर प्रोडक्ट पॉइंट नंबर वन में दे रहा हूँ, द इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई एंड साई इज डिनोटेड बाई द सिंबल फाई साई। देखो बंधु, यही है इनर प्रोडक्ट, इनर प्रोडक्ट। जैसे आईएसी में आप पढ़ते हैं डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो क्वांटम मैकेनिक्स में यही है डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, दिस इज नोन एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ये क्वांटम मैकेनिक्स का डॉट प्रोडक्ट है, इसे हम काफी डिटेल से आगे बताएंगे। इसे हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं, फाई स्टार एक्स साई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। अभी मैं इसका इनर प्रोडक्ट का कुछ प्रॉपर्टी बता दा रहा हूँ, सम प्रॉपर्टीज ऑफ सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनर प्रोडक्ट। देखो बंधु, यह बिल्कुल बेसिक बात मैं बता रहा हूं, इसके बगैर क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ से शुरू होता है। आपको काफी इंटरेस्ट से मैं भर दूंगा, लेकिन जो कुछ आज पढ़ाया हूँ बिल्कुल बेसिक है, 100% बेसिक है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा सबसे डिटेल में क्रोनेकर डेल्टा पढ़ाऊंगा, खूब ध्यान से देख लीजिए। ये 2D में पढ़ाऊंगा, 3D में पढ़ाऊंगा डेल्टा फंक्शन। उसके बाद मैं आपको मैट्रिसेस पढ़ाऊंगा, काफी डिटेल से पढ़ाऊंगा। और जो ही मैट्रिसेस खत्म होगा, लिनियर लिनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट खत्म होगा काफी डिटेल में, तब मैं आपको डेफिनेशन दूंगा व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स के डेफिनेशन पर पहुंचने से पहले कम से कम मुझे 15 से 20 क्लास लेना होगा, तब
ताकि आप क्वांटम मैकेनिक्स समझ सकें। तो इसका जो प्रॉपर्टी है अभी मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखें, प्रॉपर्टी नंबर टू लिख रहा हूं, फाई साई इक्वल टू हो जाएगा बंधु साई स्टार फाई, ये स्टार लिख दिया हूं। तीसरा प्रॉपर्टी होगा बंधु, इफ फाई साई इक्वल टू हो जाएगा आपको तीसरा प्रॉपर्टी दे रहा हूं, अगर है आपको फाई ए साई तो इसे लिखूंगा मैं ए इंटू फाई साई। चौथा प्रॉपर्टी लिखूंगा बंधु, अगर ये होगा ए फाई साई तो इसे मैं लिख सकता हूं, देखो बंधु, साई ए फाई स्टार, इसे मैं लिख सकता हूं ए साई फाई पूरे पर स्टार होगा बंधु, इसे मैं लिखूंगा ए स्टार साई फाई पर स्टार होगा, इसे मैं लिखूंगा ए स्टार फाई। तो बंधु ये मैं आपको चार प्रॉपर्टी बताया हूं, पांचवा प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, आप इसे ध्यान से देखें। ये है बंधु पांचवा प्रॉपर्टी पाई साई प्लस एक जाई इक्वल टू होगा फाई साई प्लस फाई एक जाई। छठा प्रॉपर्टी होगा बंधु बंधु, जितना भी मैं आपको ये प्रॉपर्टी बता रहा हूं क्वांटम मैकेनिक्स का पहाड़ा समझो, तो मैं समझता हूं कि आप मेरी बात को जरूर समझे होंगे। मैं अगला क्लास में आपसे मिलूंगा डिराक डेल्टा फंक्शन के साथ, और 2D और 3D डिराक डेल्टा फंक्शन पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको काफी डिटेल से मैट्रिसेस पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको क्वांटम मैकेनिक्स का डेफिनेशन दूंगा। तो मैं समझता हूं अगर आपको मेरा क्लास पसंद है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, आपका लाइक और सब्सक्राइब भी है जो मुझे मोटिवेट करेगा ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। लेकिन आप अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं दोगे तो देरी तो होगा ही, तुम लाइक और सब्सक्राइब करो और सगा संबंधी से भी लाइक और सब्सक्राइब कराओ ताकि मेरा मनोबल बढ़े और हम बूझ जाएंगे कि मेरा सब्सक्राइबर देख के कि आप क्वांटम मैकेनिक्स के बच्चे हमारे के वीडियो के प्रति आप ध्यान दे रहे हैं, आप सब्सक्राइब करा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वीडियो मैं जल्दी जल्दी प्रस्तुत करूँगा। तो ठीक, आज इतना ही, थैंक यू वेरी मच।